Okay, so from today we are going to start with new chapter सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। सुपरपोजिशन क्या होता है, देन वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो थियरी आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो एज एंड वेन रिक्वायर्ड जिस जिस क्वेश्चन में हमको थ्योरी लगने वाला है मैं वहां वहां पे बता दूंगा आपको। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। द एक्सटेंशन इन अ वायर ओबेइंग हुक्स लॉ इज एक्स, द स्पीड ऑफ साउंड इन द स्ट्रेच्ड वायर इज वी। इफ एक्सटेंशन इन द वायर इज इंक्रीज टू 4x, देन स्पीड ऑफ साउंड इन अ वायर इज। तो इसके लिए एक बेसिक चीज है, अगर हमारे पास एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है तो लेट अस से हमारे पास एक वायर है। सो वी हैव अ वायर, अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जब हम लोग एक वेव प्रोपोगेट करवाते हैं, व्हेन वी सेंड अ वेव, तो वेव का जो स्पीड होगा, द स्पीड ऑफ दैट वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय वी इक्वल टू रूट ऑफ टी बाय एम, वेयर टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एम इज मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर डेंसिटी है वो एम। सो ये एम जो है मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, अब क्वेश्चन में ये बोला है आपको कि हमारे पास जो वायर है वो हुक्स लॉ ऑबे कर रहा है। पहले एक्सटेंशन एक्स था, मतलब पहले जो हमारे पास वायर था, इस वायर पे कुछ लोड लगाया होगा और उस लोड ने जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया है, चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस किया है, वो एक्स है। और बाद में 4x हो गया, तो इट इज सिंपल। तो बेसिकली व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, स्पीड ऑफ वेव, इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। सो वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, क्योंकि दोनों केस में वायर सेम है, सिर्फ वायर में हम लोग एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं। वायर सेम है तो एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज ऑल्सो सेम। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर सेम है यहाँ पे, तो एम कॉन्स्टेंट है। तो सिंस एम इज कॉन्स्टेंट, राइट, नाउ हमें अब वेलोसिटी और टेंशन का रिलेशन मिल गया, लेकिन हमको एक्सटेंशन मतलब इलॉन्गेशन, एक वायर था उस पर 10 किलो लगा दिया तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ एक्स, अभी मैंने 40 किलो कर दिया तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ 4x। तो जब आप एक वायर पे मास लगा रहे हो, लोड लगा रहे हो और लोड को बढ़ा रहे हो, तो लोड की वजह से, बढ़ने की वजह से एक्सटेंशन भी बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगा। तो टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, ये बताना चाहिए। ऑल्सो यू शुड नो दैट टेंशन इज प्रपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस, दैट इज एक्स। देयर फोर यू हैव वेलोसिटी विच इज प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन विच इज प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स नाउ, राइट। तो नाउ यू हैव दिस रिलेशन, इसलिए आपको मिल जाएगा वेलोसिटी प्रपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो वी टू बाई वी वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू बाई एक्स वन। तो वी टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू बाई एक्स वन टाइम्स ऑफ वी वन। एक्स टू ये 4x है, तो यू हैव वी टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x बाय एक्स टाइम्स ऑफ वी वन। वी वन कितना था, वी था, कैंसल कैंसल, तो वी टू इक्वल टू 2v आ जाएगा, 2v, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक वायर है जो हुक्स लॉ ओबे करता है, उसमें जो एक्सटेंशन है वो एक्स है, स्पीड ऑफ साउंड वी है, एक्सटेंशन इन द वायर इज इंक्रीज टू 4x, मतलब अभी इलॉन्गेशन वायर का एक्स की जगह पे 4x है, तो स्पीड क्या होगा। तो वेलोसिटी इन अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई एम। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, बट टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू इलॉन्गेशन, क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन होगा, जितना ज्यादा लोड लगाओगे वायर के ऊपर, उतना ज्यादा टेंशन होगा, उतना ज्यादा इलॉन्गेशन होगा। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलॉन्गेशन आ गया आपके पास, तो वी टू बाई वी वन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स टू बाई एक्स वन आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको मिल गया वी टू इक्वल टू 2v। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेव्स वाई वन इक्वल टू
0.25 sine of 3160 and y2 equal to 0.25 sine of 310t are propagating along the same direction, the number of beats produced per second are. Two things that you need to know. Ek, general formula of wave is a sine omega t. तो जो आपको दो वेव्स दिए हैं y1 और y2, यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा 1 316 और ओमेगा 2 310. हमको पूछा है नंबर ऑफ बीट्स, आपको पता होना चाहिए बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस, मतलब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको दोनों वेव्स का, ये दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है. ओके, तो ये आपके पास आएगा 2π n1 = 316, ये आएगा आपके पास 2π n2 = 310. ओके, तो यहां से आपको n1 मिल जाएगा 316/2π और आपको n2 मिल जाएगा 310/2π. देन बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू n1 - n2. तो 316/2π - 310/2π सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 6/2π, मतलब 3/π, ऑप्शन नंबर सी. और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, सो इट इज वेरी रिसेंट, 2020 में ये सीईटी में पूछा गया था. इससे पहले वाला क्वेश्चन भी, इफ आई एम राइट, 2020 का ही क्वेश्चन है ये. ओके गुड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ लेंथ एल एंड 2L वाइब्रेट विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n and 1.5 n hertz respectively. The ratio of tensions for smaller length to that of larger length is, आपको एक वायर है जिसका लेंथ l बोला है, दूसरा वायर जिसका लेंथ 2l बोला है. They are vibrating with frequency n1 equal to n and n2 equal to 1.5 n. Ratio of tensions पूछा है आपको, तो आपको T1/T2 पूछा है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वायर ये पता होना चाहिए. यू शुड नो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग F इज इक्वल टू 1/2π √T/m. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी दिया है आपको दोनों का और लेंथ दिया है, आपको टेंशन पूछा है. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो दैट दिस टी 1/2L आता है, सॉरी नॉट 2π, 1/2L आता है √T/m. ओके, तो एज यू कैन सी हियर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ. ओके, सो दिस इज हाउ यू गेट. नाउ आपको टेंशन का रेशियो पूछा है, तो मैं लिख दूंगा √T इज प्रोपोर्शनल टू F × L. तो T इज प्रोपोर्शनल टू F × L². तो T1/T2 इज इक्वल टू F1/F2 L1/L2 का स्क्वायर. F1 फ्रीक्वेंसी 1 जिसको मैंने N1 बोला है, डजंट मैटर, मैं F1 और F2 कर देता हूं. तो ये आ गया आपका n/1.5 n. L1 लेंथ आपको दिया है L और ये दिया है 2L. कैंसल 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 कैंसल, तो इसका स्क्वायर 1.5 इज 3/2, या तो फिर 1.5 × 2 = 3. तो 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9, ऑप्शन नंबर बी. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था. ऑल यू नीड टू नो वॉज
फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का फॉर्मूला, ओके राइट। सो एक्सट्रीमली सिंपल, तो आपको अगर फॉर्मूला पता है 1/2L रूट ऑफ टी बाय एम, तो यू नो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाय एल, तो रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू एफ एल, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एफ एल स्क्वायर, तो दैट्स इट। टी वन बाय टी टू इज एफ वन बाय एफ टू, एल वन बाय एल टू होल स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया आपने, सिंप्लीफाई किया एंड यू हैव योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 है, तो कितने तो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए हैं, चौथा, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन इन लास्ट सीटी। व्हेन ओपन पाइप इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज देन सो सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड पाइप, ओपन एंड पाइप विल बी, ओपन एंड का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है। सबसे पहले यू नीड टू नो द डिफरेंस एंड एग्जैक्ट इक्वेशंस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड that you need to remember instead of saying understand, आपको याद होना चाहिए frequencies। मैंने revision में भी बताया था कि pipe open at both the ends is just like a string, stretched wire जैसा होता है, हर एक harmonic present होता है यहाँ पे, हर एक harmonic present होता है, तो यहाँ पे n फिर 2n फिर 3n एंड सो ऑन, यहाँ पे n 3n 5n एंड सो ऑन राइट। तो यहाँ पे अगर मैं pith ओवरटोन की बात कर रहा हूं, pith ओवरटोन, ये देखो ये है फंडामेंटल, फंडामेंटल के बाद वाला पहला होता है फर्स्ट ओवरटोन, तो यहाँ पे अगर pith ओवरटोन की बात कर रहा हूं तो p प्लस 1 इंटू n लिखूंगा मैं। So if I put p equal to 1, if I put p equal to 0, मुझे n मिलेगा मतलब fundamental, if I put p equal to 1 तो मुझे 2n मिलेगा मतलब first overtone, second harmonic। Similarly for a pipe closed at one end, for a pipe closed at one end pth overtone is 2p plus 1 times of fundamental। If I put p equal to 0, I have fundamental, if I put p equal to 1, I have first overtone 3n, okay। तो दो method है, एक तो ये formula से जाओ या फिर directly जाओ, मैं दोनों बता दूंगा। मैं पहले method वन बता रहा हूँ, देखो basics ये आपको पता होना चाहिए इस level पे, हमारा theory हुआ है उसके बाद दो revision हो चुके हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, fundamental frequency के formula पता होना चाहिए, ओवरटोन्स के फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओवरटोन का मतलब पता होना चाहिए आपको। यू शुड नो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, मतलब n 3n 5n, मतलब अगर मैं पहला फ्रीक्वेंसी छोड़ के दूसरे की बात करता हूं उसको बोलता हूं फर्स्ट ओवरटोन, फिर नेक्स्ट होता है सेकंड ओवरटोन, तो ओवरटोन्स का फॉर्मूला बनता है 2p plus 1n फॉर केस ऑफ क्लोज्ड पाइप, और ओपन के लिए p plus 1n। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हेन ओपन पाइप इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, थर्ड ओवरटोन मतलब n 3 c विच इज 2 इंटू 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ n c, तो दिस इज 7 n c, ओके। सो यू हैव थर्ड ओवरटोन, ओके आगे बोला है थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 देन सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप ये आएगा 2 प्लस 1 एन, मतलब ये आएगा 3 एन ओपन, ओके ये अच्छे से समझ लो, जो क्वेश्चन में बोला है वही कर रहे हैं हम लोग, थर्ड ओवरटोन निकाल रहे हैं क्लोज के लिए, सेकंड ओवरटोन निकाल रहे हैं ओपन के लिए, तो ये सेकंड ओवरटोन है। अब इन्होंने बोला है थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप मतलब एन सी थ्री
ओके इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज, मतलब NC3 इज इक्वल टू N2 ओपन प्लस 150, मतलब NC3 माइनस NO2 इक्वल टू 150। आपको ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, और अगर आपको याद होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का फॉर्म्यूला, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो रिपीट करना पड़ेगा। फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में यहां पे बनता है हाफ लूप, एक नोड एक एंटी नोड, तो ये डिस्टेंस आपके पास आता है लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा आपके पास आता है 4L। तो आपको पता है वेलोसिटी v इज n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो ये n यहां पे लिख रहे हैं हम लोग v बाय लैम्डा, तो v तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 4L आती है फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। सिमिलरली फॉर अ पाइप ओपन इट इज v बाय 2LO। ओके नाउ द क्वेश्चन बिकम्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या बोला है, व्हेन ओपन पाइप इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, ओके मतलब दोनों का लेंथ सेम है, पहले पाइप ओपन था बाद में क्लोज किया, पहले ओपन पाइप ही था बाद में क्लोज किया, और दूसरा भी ओपन है, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब अंडर दैट अजम्पशन की लेंथ सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ओके मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर लिया, लेकिन जैसे मैंने बोला ओपन और क्लोज पाइप दोनों का लेंथ सेम है, तो व्हाट यू नोटिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, ऐसा, तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई हमको। तो ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये 2 टाइम्स ऑफ क्लोज होता है, ये बताना चाहिए आपको। हमको फाइंड क्या करना है, ओपन पाइप का फंडामेंटल फाइंड करना है, ओपन पाइप का, तो क्लोज्ड पाइप जो है हमारे पास, क्लोज्ड पाइप जो है उसके लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे NC3 ये आप लिखोगे 7NC वेयर N इज फंडामेंटल माइनस NO2 इज 3NO दैट इज 150। फिर अभी अभी आपने लिखा यहाँ पे लिखा फंडामेंटल ऑफ ओपन इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड, तो इसका मतलब फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड इज ओपन बाय 2, तो 7NO बाय 2 माइनस 3NO इक्वल टू 150। तो ये आप 7 बाय 2 मतलब 3.5 में 3 गए तो हाफ ही बचेगा, तो NO बाय 2 इक्वल टू 150। तो NO ओपन पाइप का फंडामेंटल इज 300 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में वापस समझा देता हूं, यू नीड टू नो बेसिक्स, जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज डिफिकल्ट। व्हाट यू नीड टू नो इज क्लोज्ड पाइप ओपन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाय 4L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2L, सो दैट इज 2 इंटू वी बाय 4L, दैट इज 2 इंटू NC। ओके देन हार्मोनिक्स, nth हार्मोनिक हियर इज 2p प्लस 1 इंटू n। ओके फंडामेंटल यहां पे पीथ ओवरटोन यहाँ पे पीथ ओवरटोन इज p प्लस 1, यू नो
According to question, third overtone of closed, it is 2 into 3 plus 1 NC. तो ये आ गया 7NC. और यहाँ पे second overtone of open is 3NO. और question के according ये बोला है आपको, ऐसा बोला है उन्होंने. राइट, तो 7NC माइनस 3NO इक्वल टू 150. बट NC और NO का रिलेशन मैंने बताया था, तो NC इज NO बाय 2. फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा 7N ओपन बाय 2 माइनस 3N ओपन इक्वल टू 150. इसको सॉल्व करोगे तो N ओपन मिल जाएगा 300 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी. तो दिस इज हाउ You're supposed to solve this question. Agla question. Question number fifth. A sonometer wire under suitable tension having specific gravity rho vibrates with frequency n in air. If the load is completely immersed in water, the frequency of vibration of wire will become. So if you remember, मैंने आपको बताया था कि ये question ऐसा type का 23rd number का question last topic में था, last chapter में था. मैंने बताया था कि वो यहाँ पे गलती से आया है because it is not part of that book, that chapter. तो वापस यहाँ repeat हो रहा है अब वो. तो we will take it now. So पहले तो सोनोमीटर वायर क्या है वो पता होना चाहिए. सोनोमीटर बॉक्स के ऊपर एक वायर होता है, मैं सोनोमीटर बॉक्स नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ. फिर यहाँ पे उसके नीचे एक लोड लगाया होता है. ओके, नाउ देयर आर टू थिंग्स. एक तो लोड एयर में है, फिर बाद में आपने इसी लोड को वाटर में डाल दिया. तो आपने इस लोड को वाटर में डाल दिया. ओके, तो वाटर को लोड में डालने की वजह से क्या होगा? थिंक लॉजिकली. टेंशन इन द स्ट्रिंग विल रिड्यूस. क्यों? क्योंकि वाटर में लोड जाने के बाद लोड पे एक अपथ्रस्ट लगेगा. आपको पता है कि वाटर में कोई भी बॉडी थोड़ा लाइटर फील होता है बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट, क्योंकि वाटर ऑलवेज प्रोवाइड सम अपवर्ड फोर्स. तो दैट स्ट्रिंग मतलब लोड, देखो टेंशन स्ट्रिंग में कहां से आ रहा था? बिकॉज ऑफ द लोड. और अगर लोड खुद, इफ द लोड इटसेल्फ इज इन वाटर, तो लोड कम लगेगा बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, मतलब टेंशन कम होगा. आपको बताना चाहिए अगर टेंशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा तो 1/2 L रूट ऑफ T by M, वेयर M वाज मास पर यूनिट लेंथ. ओके, राइट. तो इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन. ओके, तो N2 by N1 इक्वल टू T2 by T1. T2 is tension in the string when the load is immersed in water. And you should know tension in string when it is in water is weight of the load minus weight in water upon weight. Right? आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं हम लोग? ठीक है, नहीं पता तो आई विल टेक यू टू बेसिक्स. ये स्ट्रिंग है, ये वेट है. टेंशन टी कम्स फ्रॉम वेट, तो वेट प्रोवाइड्स टेंशन. जब मैंने इसी वेट को, सेम वेट को जब मैंने वाटर में इमर्स कर दिया, If I immerse this into water, मान लेते हैं, तो क्या होगा?
तो टेंशन कम होगा। मतलब आप क्या करोगे, मतलब आप लिखोगे वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, लॉस ऑफ वेट मतलब लॉस ऑफ वेट है अपॉन ओरिजिनल वेट। ओके सो यू शुड नो दिस, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टेंशन टी टू। ओके तो आपको पता होना चाहिए, मतलब दिस इज टी टू, दिस इज टी टू, दिस इज टी वन। सेकेंड केस में क्योंकि आपने इमर्स करके रखा है तो टेंशन कम होगा, तो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड ऐसा आएगा टेंशन, क्योंकि लिक्विड में इमर्स किया था हमने तो ऐसा आएगा। राइट नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट वेट, तो एन टू बाई एन वन इक्वल टू, वेट कैसे निकालते हैं, वेट निकालते हैं मास इंटू जी। राइट मास इंटू जी, लेकिन मास कब, जब वो सब्सटेंस एयर में होगा। तो मैं आई विल स्किप वन स्टेप एंड विल राइट डाउन डायरेक्टली नेक्स्ट वन दैट यू शुड अंडरस्टैंड। वी डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी अपॉन वी रो एस जी। वी जी कॉमन निकाल के कैंसल आउट, तो आपको मिल जाएगा एन टू बाय एन वन इक्वल टू रूट ऑफ रो एस माइनस रो डब्ल्यू अपॉन रो एस। ओके तो दिस इज हाउ इट इज। ओके गुड, नाउ लेट मी मेक सम स्पेस। गुड so I will repeat this again, don't worry, I will repeat how many times it is required, because basics to pata hona hi chahiye aapko, nahi pata to fir it is my responsibility to tell you if you don't know. So pehla basic ye tha ki tension T1 when the load was in air, tension T1 in the string is nothing but weight, where WS is this weight of solid jo bhi hoga. Okay, then tension T2 is weight of the solid in air minus that in liquid. Okay, so weight hota hai mass into g, mass hota hai volume into density, to wahi kiya hai. Aur aapko question mein specific gravity aisa ek word use hua tha. स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब आप बोलते हो डेंसिटी ऑफ सम सब्सटेंस इज सम वैल्यू, जैसे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कहां पे 13,600, सराउंडिंग जब एयर था तब, तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर मैं उसी मर्क्यूरी का डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब उसको वाटर में रख के मेजर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हमको जो ऑप्शंस दिए हैं, आंसर्स जो दिए हैं चार, वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोला है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, अब मैं डेंसिटी ऑफ वाटर कॉमन निकाल लूंगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कॉमन निकाला, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस वन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो सिर्फ डेंसिटी ऑफ वाटर को एडजस्ट किया है। ओके कैंसल एंड कैंसल, सॉरी गुड। सो यू हैव एन टू बाय एन वन इक्वल टू density of substance with respect to water is relative density, तो आपको मिल गया n2 is equal to n1 rho minus 1 upon rho whole raised to half। तो ऐसा कुछ है क्या, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज करेक्ट आंसर। तो सोनोमीटर वायर अंडर सुटेबल टेंशन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी रो वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी n इन एयर, अगर एयर में फ्रीक्वेंसी n होगा तो वाटर में फ्रीक्वेंसी होगा एन वन मतलब एन इंटू रो माइनस वन अपॉन रो, वेयर रो इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके राइट,
अभी आप बोलोगे यहाँ तो बोला है सोनोमीटर वायर का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है तो पूरे ही वायर को पानी में डाल देंगे, डजंट मैटर रियली, आई कैन पुट होल वायर इन साइड वॉटर, एक ही बात है, लॉजिक इज सेम, सोल्यूशन इज सेम। तो हम इनफैक्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, एक की जगह पे दो, जब लोड वाटर में डाल रहे हो या वायर को वाटर में इमर्स कर रहे हो तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर फर्स्ट ओवरटोन आइडेंटिकल। मतलब ओपन ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन ये इक्वल है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप। अगर आपको याद है हमने अभी अभी लिखा था पीथ ओवरटोन ओके इज इक्वल टू, फॉर ओपन इट इज इक्वल टू पी प्लस वन टाइम्स ऑफ एन। तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज वन प्लस वन टू टाइम्स ऑफ एन जीरो। सिमिलरली फॉर क्लोज्ड पाइप, फॉर क्लोज्ड पाइप पीथ ओवरटोन इज टू पी प्लस वन टाइम्स ऑफ एन सी। ओके गुड, तो नाउ यू हैव सिमिलरली एन वन सी इज थ्री एन सी। मतलब इन शॉर्ट इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री, सो फ्रॉम वन टू एंड थ्री सब्स्टिट्यूटिंग टू एंड थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, यू हैव टू एन ओ इक्वल टू थ्री एन सी। बट इफ यू रिमेंबर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप वॉज वी अपॉन टू एल ओ, और फॉर अ क्लोज पाइप वॉज वी अपॉन फोर एल ओ, फोर एल सी लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। तो ये सब्स्टिट्यूट करो, टू वी अपॉन टू एल ओ इक्वल टू थ्री वी अपॉन फोर एल सी। कैंसल कैंसल, आपको पूछा है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओपन टू दैट ऑफ क्लोज्ड, तो आ गया लेंथ ऑफ ओपन टू दैट ऑफ क्लोज्ड इज इक्वल टू 4/3, ऑप्शन नंबर सी। तो वी हैव डन नथिंग, बट हमने यहाँ पे इक्वेट किया, किसको किसको इक्वेट किया, हमने यहाँ पे ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन और क्लोज्ड पाइप का फर्स्ट ओवरटोन को इक्वेट किया। पता क्या होना चाहिए था, ओपन पाइप का ओवरटोन का फॉर्मूला दैट इज पी प्लस वन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, क्लोज्ड पाइप का ओवरटोन का फॉर्मूला दैट इज टू पी प्लस वन फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड पाइप। और फिर आपने दोनों का पहला पहला ओवरटोन आपने निकाल लिया और दोनों के पहले पहले ओवरटोन को इक्वल टू लिख दिया है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टेंशन टी इज अप्लाइड टू सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल, इट वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन, कीपिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम, व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 8N द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम्स थ्री टाइम्स द अर्लियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन, द इनिशियल टेंशन अप्लाइड टू द वायर वॉज। गुड क्वेश्चन, When tension T is applied to a sonometer wire of length L, it vibrates with fundamental frequency N. तो पहले केस में टेंशन T था, लेंथ L था, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी N था, हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम रखा है, अब टेंशन हमने T2 को बढ़ा दिया बाय 8, ओके सो यू हैव इंक्रीज्ड द टेंशन बाय 8, मतलब T2 इज T1 प्लस 8, इंक्रीज बाय 8 न्यूटन है, इंक्रीज बाय 8 न्यूटन है, ओके मतलब T1 प्लस 8 ऐसा उन्होंने बोला है। ओके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम्स थ्री टाइम्स अर्लियर, यहाँ पे N2 हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ N1, ओके देन इनिशियल टेंशन T पूछा है आपको, तो व्हाट डू वी नो इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1/2L रूट ऑफ टी बाय एम, राइट? डिड वी चेंज लेंथ? नो वी डिड नॉट,
तो लेंथ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। डिड वी चेंज मास पर यूनिट लेंथ? नो वी डिड नॉट, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा राइट। तो यू हैव एन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब यहां पे आपको मिल जाएगा एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू रूट ऑफ टी टू बाई टी वन। एन टू बाई एन वन इज थ्री, यहां से इट इज थ्री। रूट ऑफ टी टू, टी टू इज टी प्लस एट बाई टी, स्क्वेरिंग ऑन बोथ साइड्स नाइन इक्वल टू टी प्लस एट बाई टी। तो नाइन टी माइनस टी इक्वल टू एट, तो टी इक्वल टू एट करेक्ट। अरे ऐसा तो आंसर ही नहीं है, तो क्या इनकरेक्ट, व्हाट वेंट रॉन्ग? तो सच सिली मिस्टेक्स हैपेंस, क्या हुआ यहां पे, छोटी सी गलती हुई। क्या गलती हुई? एक छोटी सी गलती हुई हमसे, व्हाट वेंट रॉन्ग? तो स्क्वायर किया वो गलती हुई क्या? नहीं। तो क्या गलती हुई? यू शुड नो दिस। तो 9t इक्वल टू टी प्लस एट, तो 9t माइनस टी इक्वल टू एट, तो 8t इक्वल टू एट, मतलब t इक्वल टू वन न्यूटन। अभी आएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2020 में आया था, मतलब लुक एट नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड लुक एट द सिंपल, आई मीन लेवल इज टू सिंपल, सो इजी। 2020, उससे पहले भी सब 2020, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग डिफिकल्ट विद दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूसेस 8 बीट्स 5 बीट्स पर सेकेंड विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज। व्हेन अ लिटिल वैक्स इज स्टक टू अ प्रॉन्ग ऑफ फोर्क ए, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बिकम्स 2। तो पहले 5 थे इनिशियल केस में, तो यहां पे 2 फोर्क ले लिए हमने, एक ट्यूनिंग फोर्क ए है, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क बी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज एन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज एन बी। तो अब हमने क्या किया, सिर्फ पहले ट्यूनिंग फोर्क को के प्रॉन्ग को हमने वैक्स लगा दिया। तो पहले इन दोनों फोर्क में अगर फ्रीक्वेंसी 5 था और बाद में 2 है ऐसा बोला है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी मतलब बी फोर्क का फ्रीक्वेंसी 480 दे दिया है, तो What is the frequency of tuning fork A before the wax is stuck to it? तो initial frequency आपको पूछा है। ये question मैंने पहले भी not for those who are new to this batch, but in other batches such type of question, not यही but such type of question we have taken already. तो ये question reasoning से ही solve हो सकता है। कैसे? इन दोनों फोर्क का मतलब ये पता है आपको, ये 480 है और ये 480 है, ओके। बी का तो सेम है, तो ऐसा है कि वैक्स लगाने से पहले 5 बीट्स थे, 5 बीट्स, ओके। तो 480, ये ए की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, बी की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। बीट्स किस किस में हो रहे हैं? बी और ए में। दो ट्यूनिंग फोर्क है तो दोनों में ही बीट प्रोड्यूस होंगे ना, बीट प्रोड्यूस, दो बीट के लिए दो फोर्क चाहिए होते हैं हमको, दो सोर्स ऑफ साउंड चाहिए होते हैं विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अगर एन बी 480 था इनिशियली, तो एन ए या तो 475 हो सकता था या फिर 485 हो सकता था। डिफरेंस 5 है, डिफरेंस 5 है, गुड गुड। अब आपने वैक्स लगा दिया, वैक्स लगाने का मतलब यह होता है कि उसका फ्रीक्वेंसी कम करना, तो आपने कम कर दिया। अब आपको यह पूछा है, बताया है कि वैक्स लगाने के बाद
A4 का फ्रीक्वेंसी और B4 का फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में बीट्स प्रोड्यूस होंगे दो दो, तो इसका मतलब 480 माइनस टू और 480 प्लस टू, ऐसे दो आ सकते हैं. ओके राइट, रिमेंबर B4 का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया है हमने, वी हैव नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. ओके सो वापस से ए और बी में दो बीट्स आने के लिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, राइट. तो आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इजी है, बहुत सिंपल है. मैं वापस बता देता हूँ, दो फोर्क है, एक का फ्रीक्वेंसी 480 है, दूसरे का पता नहीं. ओके जिसका पता नहीं उस पर मैं वैक्स लगा दिया, तो एक जिस पे वैक्स नहीं लगाया उसका तो 480 था, 480 रहेगा, मतलब बी ट्यूनिंग फोर का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ. पहले वैक्स लगाने से पहले ए और बी में 5 बीट्स थे, वैक्स लगाने के बाद ए और बी में 2 बीट्स है, तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट. सो आई वुड लाइक दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट. मैं कल इसको नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करवाऊंगा. Why I want you to do this as an assignment? क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में कोई हो सकता है तो वो ये हो सकता है. No formula required. Simple, simple, खत्म. Orally है ये. But for this you need to learn. You need to first solve by yourself. So खुद पहले solve करके देखो. Then I will tell you what is the answer. No formula required at all. So you should know this. Okay. So it is 3:15 now and we will stop here.